अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हमने जाना है आप ही की तरफ अफ्तारी पे, तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ ले जाती हूँ, ठीक है ना। चलो भी अब हम चलते हैं, ठीक है, अफ्तारी पे जाना है, आप ही को ईद भी देनी है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि हम मुझे कुछ सामान लेना था, और जब से रमज़ान शुरू हुआ है मुश्किल मैं एक दफ़ा गई होंगी, तो मैंने कहा चले मामा मैं आपके साथ जाती हूँ, ठीक है। ये मेरी कज़न उम्र से आई थी, उसने मेरी आप ही के लिए गिफ्ट भेजा था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये अमाना मॉल, एक्चुअली मैं हमें बनानी थी आप ही के लिए बास्केट, छोटी सी प्यारी सी, तो उसके लिए चीज़ें चाहिए थी। हमने सोचा था कि अमाना मॉल के जब उधर जाएंगे ना हैप्पी स्टार में, तो वहाँ पे हमारे पास वैरायटी वगैरह होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इससे ज़्यादा चीज़ें तो किसी लोकल मार्केट में चले जाओ ना, शॉप पर, तो वहाँ से मिल जाती हैं। सारा घूम लिया, ए टू जी सब कुछ देख लिया, बट कुछ भी नहीं मिला बे। उस दिन हमारी किस्मत में नहीं था। एक्चुअली मैं यहाँ लिंक रोड गई थी बहाने से कि मुझे जे भी इसका शेक पीना है, वो भी नहीं मिला और कुछ और भी नहीं मिला। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ये कुछ चीज़ें इकट्ठी की थी, लेकिन हमें सूट नहीं की ये चीज़ें, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ वापस रखा और खाली हाथ वापस जाते हुए। इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है अभी। जी खैर, एनी हाँ, फिर हमने सोचा चलो अबे कहीं और चलते हैं। ये अब हम जा रहे थे विक्टोरिया वाली साइड पे। एक्चुअली मैं मुझे वैरायटी चाहिए थी चिप्स की, जहाँ पे ज़्यादा चिप्स वगैरह हो ना, वहाँ की वैरायटी चाहिए थी, लेकिन ना विक्टोरिया में ऐसी चीज़ें थी, ना ही अमाना मॉल में ऐसी चीज़ें थी। फिर एनी हाँ, हमें जो जो मिला हमने वो ले लिया, ठीक है जी। यार मैं तो कहती हूँ फ़ैन होगी मैं इसकी। अच्छा, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा ये ट्राई कर लिया हुआ है, लेकिन जब जब खाते हैं ना इसका, तब तब नया ही टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करते हुए। अच्छा जी, ईद थी तो ईद पे मेहंदी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हमने विक्टोरिया से मेहंदी ली, और ये हमारी हो गई थी शॉपिंग पूरी डन। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी बहन, मुझे और आजकल मेरी छोटी बहन आयशा को बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है चूड़ियों का, प्यारी से जो सिल्वर कलर की होती है ना, वो तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमें अच्छी सी प्यारी सी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मामा के साथ जाएँ और आप ऐसी जगहों पे ना जाएँ, हर दुकान पे ना रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेना हो या ना लेना हो बात की बात होती है, पहले तो आपने हर जगह पे रुकना होता है, देखना होता है, ठीक है जी। यहाँ हम पे हम लोग देख रहे थे चूड़ियाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये थी आप ही के पास भी चूड़ियाँ जानी थी, लेकिन कोई ऐसा दिल को ठा करके लगी नहीं। तो हमने चूड़ियाँ नहीं ली फिलहाल के लिए नहीं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग ने थर्ड स्टॉप था चीज़ें इकट्ठी करने का, ठीक है। तो शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए, और मैंने आके सबसे पहले जो काम किया था ना, वो नूडल्स बनाए थे। मतलब मुझे पिछले कोई हफ्ते दो हफ्ते से इतना क्रेज़ हुआ था ना इस स्पाइसी नूडल्स का, कि मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ मेरा चक्कर नहीं लग रहा था भाई कि मैं इसको जाके लेके आती हूँ, मैं खाती, ठीक है। मैं और मेरी छोटी बहन, इन दोनों के मैं कहती हूँ बस आई, मेरे सारी हाथ पे सॉस गिर गई थी और मेरे इतने से मुंह पे लगी थी, बस एंड हो गई थी मैं कहती हूँ। उसके बाद जी हमने जल्दी से नूडल्स बनाए। सबसे ज़्यादा जो ये खाते हैं ना शौक से, मैं और आयशा ही खाते हैं, उसके अलावा मेरे घर में ये कोई नहीं खाता। वो कहते हैं तुम लोग पागल हो, हम पागल नहीं। ठीक है जी, जल्दी से हमने इसको किया तैयार। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुँह में अभी भी टेस्ट आ रहा है मेरी आंखों के सामने। ठीक है जी,
वैसे ज़िंदगी में ना एक दफ़ा ये चीज़ हर किसी को ट्राई लाजमी करनी है, बेशक वो स्पाइसी खाता हो या ना खाता, उसे ट्राई लाजमी करनी चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज़ों का। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने फुल ठंडे माहौल एसी लगा के स्प्राइट की बोतल साथ रख के मज़े से गाया, और जब बाद में हमारी हालत ही ना हो ऐसी हालत थी कि मोबाइल पकड़ा ही नहीं जा रहा था। अच्छा, मुझे स्पेगेटीज हो, नूडल्स हो या कोई भी चीज़ हो ना, मुझे पता नहीं क्यों मैं उसको तोड़ के नहीं डालती, मैं उसको एग्जैक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ जिस शेप या वो शक्ल में होती है, तो इसलिए ये मेरे अब फॉर्क पे आ नहीं रही थी। मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, अरे बाबा बस कर दे, कितनी आनी है। अच्छा जी, भाई इसके बाद तो जो मुझे नींद आई मैं तो सो गई, और उसके बाद बंदा दही ही खा सकता था जो हमने खाया था, इसमें मैंने थोड़े से नट्स वगैरह डाल के खाया, इतना मैंने नहीं खाया जितना मेरे आसपास के लोगों ने खाया था। ठीक है जी, उसके बाद एक हमने ली लंबी सी नैप, और ये अब हम तैयारी कर रहे हैं जाने की, आप ही के बास्केट्स में चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, तो जो जो आपका दिल करता है, अगर किसी को सरप्राइज़ वगैरह या गिफ्ट वगैरह देना होता है तो आप इसको ऐसे अरेंज करके लेके जा सकते हैं। बास्केट्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, चीज़ों की वैरायटी डिफरेंट होती है, आप उसको कवर कर सकते हो, नहीं कर सकते, फ्लावर्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो जो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप जिसको दे रहे हो उसको क्या चीज़ पसंद है, तो आप उसके मुताबिक इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हमने बनाया था इस तरह, इसमें छोटी छोटी चीज़ें डाली थी जो आप ही खाती थी या उन्हें पसंद। फिर तो मुझे एक पैकेट चिली मिली, दे मैं उसकी। ऐसी भी बात दे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें निबन इकट्ठी कर करके हमने उसकी एक छोटी सी बास्केट बनाई थी, और ये उसी की फरमाइश थी कि मेरे घर जब ईद पे आया जाए तो मेरी जो तीन छोटी छोटी बहनें हैं वो मेरे लिए बास्केट बना के लाएं, तो जब ये वीडियो देखेगी तो उसे पता चल जाएगा और लाजमी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही होगी। ठीक है जी, तो ये हमारी बास्केट हो गई थी डन, और ये मैं अपनी मामा को कहती, मामा खुश हैं, बेटी की तरफ जा रही हैं, ससुराल। अच्छा जी, तो ये साथ में आप ही की ईद थी जो हमने उसको देनी थी, आप ही की जीजा जी की, और ये सब कुछ इसके साइड पर मेहंदी वगैरह हमने रख दी थी। ठीक हो गया, इतनी गर्मी थी कि यार पूछो नहीं, समझ नहीं आ रहा था पिछले दो दिनों से, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह पाक ईद तो अच्छे से गुजार, अच्छा मौसम कर दें भाई, सब दुआएं करो, आजकल दुआएं सुननी जा रही हैं, और अपने लिए दुआ करें तो मेरे लिए भी दुआएं करें। ठीक है जी, तो ये हम लोग जब गए थे तो अफ्तारी की टेबल हमारी रेडी थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता हम कहीं जाएं और हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है जी, तो ये आप ही ने समोसे, पास्ता, रोस्ट और ये सैंडविचेस वगैरह बनाए थे अफ्तारी के लिए, और पास्ता हमारी ख्वाहिश पे बना था, जैसे बास्केट उसकी ख्वाहिश पे गई थी, पास्ता हमारी ख्वाहिश पे बना था कि भी हमने तो चीज़ पास्ते खाना। ठीक है, एलोपिनोज वगैरह डाल के तो ये सारा कुछ इसका बना था। ठीक है जी, आप थोड़ा सा फैमिली टाइम था, हम लोग बातें वगैरह, और ऐसा हो ही नहीं सकता हम आप ही की तरफ जाएँ और ये वीडियो ना बनाएं। तीन दफ़ा गया और हमने तीनों दफ़ा ये वीडियो बनाई, मैं, मेरी छोटी बहन।
तो फिर मैंने कहा जहाँ इतना खाया वहाँ थोड़ी सी भूख तो बनती है। मौसम भी इतना अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो तुम्हें आज एक लंबी राइड पे लेके जाओ सीधा अल्लाह के पास। लेट्स गो ब्रो। अच्छा जी, तो ये हम जा रहे थे वापस। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।